दोस्तों सोशल मीडिया पे चर्चित फिल्म गदर 2 अमीषा पटेल का हुआ वीडियो वायरल। गदर की सकीना ने दिखाया कहां शूट हुआ था हैंडपंप वाला सीन। देखे 21 साल में कितना बदल गया है लोकेशन। बॉलीवुड स्टार सन्नी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है। वहीं हाल में ही फिल्म की एक्ट्रेस फैंस को सीधे उस लोकेशन पर ले गई जहां मूवी का सबसे आइकॉनिक हैंडपंप वाला सीन शूट किया गया था। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त रवि चौधरी और आप देख रहे हैं तेरी मेरी बातें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हाल में ही अमीषा पटेल का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। 2001 में सन्नी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर रिलीज हुई थी। ये फिल्म आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। गदर उन फिल्मों में से है जिन्हें दर्शक बार बार देखना पसंद करते हैं। फिल्म के गाने से लेकर डायलॉग तक लोगों की जुबा पर रहते हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। इस फिल्म के आइकॉनिक हैंडपंप वाला सीन आज भी लोगों को याद है। यह फिल्म कहाँ शूट हुआ है इसकी जानकारी खुद शकीना यानी अमीषा पटेल ने एक वीडियो में फैंस को दी थी। लखनऊ के स्कूल में हुई थी शूटिंग। जी हाँ, गदर के हैंडपंप वाले सीन पर अभी भी लोग तालियां बजाते हैं। खैर फिल्म की एक्ट्रेस अमीषा ने हाल में ही एक वीडियो के जरिए उस जगह की झलक दिखाई है जहां हैंडपंप वाले सीन की शूटिंग हुई थी। हालांकि 21 सालों में अब वो जगह पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। हाल ही में अमीषा एक इवेंट के लिए लखनऊ पहुंची हुई थी। इस दौरान एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म गदर की शूटिंग की यादों को ताजा किया। अमीषा ने उस लोकेशन का वीडियो बनाकर शेयर किया जहां हैंडपंप वाला सीन शूट हुआ था। आपको बता दें कि वो सीन लखनऊ के फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में शूट हुआ था। वीडियो में अमीषा पटेल बताती है कि यहीं पर गदर का आइकॉनिक सीन शूट हुआ था। यहां घास नहीं थी ना ही कोई गार्डन। अमीषा कहती है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद वाला सीन यहीं पर शूट हुआ था। एक्ट्रेस ने बताया उस सीन को फिल्माते हुए यहां हजारों की भीड़ थी। खैर आपको बता दें कि जल्द ही गदर 2 का सीक्वल आने वाला है। इस फिल्म में एक बार फिर सन्नी देओल अमीषा पटेल की जोड़ी दिखाई देगी। हालांकि अनिल शर्मा ने गदर 2 की अनाउंसमेंट जो फिल्म की रिलीज डेट है ऐसा बताया जा रहा है सूत्र लोग की जनवरी 2023 में रिलीज होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये फिल्म पठान से क्लैश हो सकती है और अगर ये फिल्म पठान से क्लैश होगी तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों आपके क्या विचार है पठान वर्सेस गदर 2 कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे और कौन सी फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। बने रहिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त रवि चौधरी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार और इसी तरह प्यार देते रहो। जय हिंद जय भारत।